हेलो फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग होंगे जो गर्मियों में ऑयल लगाना पसंद नहीं करते हैं और अपने बालों को हेल्दी बनाना चाहते हैं, लंबा बनाना चाहते हैं, घना बनाना चाहते हैं? तो मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जिससे बिना किसी ऑयल के और बिना किसी हेयर मास्क के आप अपने बालों को लंबा, घना, खूबसूरत बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया यहाँ पर अदरक, और अदरक को आपको कद्दूकस करना है। हमें पीसना नहीं है क्योंकि हमें इसमें पानी नहीं डालना है, पानी डालेंगे हम बाद में। हम इसे कर लेते हैं कद्दूकस। तो आपको कम से कम 1.5 इंची के बराबर अदरक चाहिए। मिक्सर में इतना थोड़ा सा पीसोगे तो आप पीस भी नहीं पाएंगे जरा सा। तो ये देखिए 1.5 इंची के बराबर मैंने कद्दूकस कर लिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 2 इंग्रेडिएंट और डालेंगे। तो ये है कलौंजी सीड्स और ये है लौंग। ये हमारे बालों को डैंड्रफ से बचाती है, बालों को नेचुरली तरीके से काला करेगी, घना करेगी। और लौंग हमारे जड़ों को मजबूत करती है, फॉलिकल्स को पोषण देती है। तो हम इन दोनों चीज, इतनी सारी लौंग हमें नहीं चाहिए क्योंकि एक बार के लिए कम से कम 5-6 लौंग लेंगे हम। और 1 टेबल स्पून बड़ी वाली नहीं, छोटी वाली भर के हम कलौंजी के बीज लेंगे। और इसके लिए हमें इसे पानी में डाल के बॉयल करना है। तो हम गैस पे चढ़ा देते हैं पानी। तो पानी फ्रेंड्स आपको इतना डालना है एक बार के आपके एजुकेशन के लिए हो जाए। तो आधा गिलास समथिंग आपको पानी डालना है। तो इसमें हम ये जो सारी चीज़ लौंग, कलौंजी और जो हमने अदरक कद्दूकस किया था वो सारी चीज़ हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे बॉयल होने देंगे 5-10 मिनट के लिए। और इसकी जो गुडनेस है सारी पानी में आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी इंग्रेडिएंट्स की गुडनेस इसमें आ गई है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। हमारी रेमेडी बनके तैयार है और इसे हम ठंडा होने देते हैं। ये हमारा काढ़ा नहीं है, ये हमारे बालों के लिए हेयर टॉनिक है जिससे हमारे बालों की लंबाई रॉकेट की तरह बढ़ेगी। जी हाँ, आपने सही सुना, आपके बाल बढ़ेंगे एकदम रॉकेट की तरह। और आपके जो बाल, नए बाल नहीं आ रहे थे तो आपके नए बाल स्टार्ट हो जाएंगे। और ये देखिए ठंडा हो चुका है, मैंने इसे छान लिया क्योंकि हमें ये गर्म नहीं लगाना, ठंडा ठंडा लगाना। और आपको स्मेल लग रही होगी, थोड़ी स्मेल आ रही होगी लौंग की और अदरक की। तो उसके लिए आप इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल लीजिए। आपके पास टी ट्री ऑयल हो, लेवेंडर का हो या रोजमेरी का, तो इसमें आपको 4-5 ड्रॉप डालनी है। इससे क्या होगा कि जो इसकी थोड़ी सी स्मेल है वो स्मेल भी चली जाएगी और आपके बालों में अच्छी सी खुशबू आएगी। तो इसे आप स्प्रे बॉटल में भर लीजिए या फिर ऐसे ही कॉटन की हेल्प से भी लगा सकते हैं। ऑयल को थोड़ा सा मिला देते हैं जिससे ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं लगाऊंगी इस तरह से कॉटन बॉल से, और आप चाहें तो स्प्रे बॉटल में भर के भी लगा सकते हैं। और इसे नाइट में लगा लीजिए, डे में लगा लीजिए, जब आपको बाल धोने उसे 1-2 घंटा पहले लगा लीजिए। जब आपको लगे कि आपको सिर धोना उससे पहले आप इसे 1-2 घंटे पहले लगा लीजिए। अगर रात में लगा के सोना चाहते हैं तो रात में भी इसे लगा सकते हैं। पर इसमें थोड़ा सा अदरक है, आपको लगे कि थोड़ा सा जलन हो रही है तो आप टेस्ट ज़रूर कर लें, थोड़ा सा अपने हाथ पे लगा के देख लें। अगर आपको जलन नहीं हो रही है तो रात भर लगा सकते हैं क्योंकि अदरक थोड़ा स्पाइसी होता है। और इस तरह से पूरे जड़ों में लगाइए मांग कर करके। और जैसे आपके यहाँ पे इस तरह से गंजापन आ जाता है, मेरे तो यहाँ पे मांग निकलाइए इस तरह से, तो आपके नए बाल भी इससे उगना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके बालों की लंबाई भी बढ़ेगी और आपके बाल घने हो जाएंगे। और ये मैं आपको पहली बार नहीं लगा रही हूँ, मैंने बहुत कई बार लगाया है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे इसका। थोड़ी सी इस तरह से मसाज कर लीजिए जिससे जड़ों में अच्छी तरह से ये लग जाए।
मसाज करने से बालों में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, तो जिससे बालों की लंबाई बहुत ही जल्दी से बढ़ती है, नए बाल जल्दी से आना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारी जड़ों में जो भी हम रेमेडी यूज करते हैं वो अच्छे से लग जाती है। थोड़ा तेज बोलो। तो जो भी हम रेमेडी लगाते हैं वो हमारे बालों में अच्छे से लग जाती है। और देखिए मैंने यहाँ पे अपने बालों जड़ों में लगा लिया और मैं अपनी पूरी लेंथ में भी लगा ले रही हूँ। और अगर आप ऑयल लगाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा सकते हैं, और जो लोग ऑयल नहीं लगाते तो वो इस तरह से लगा सकते हैं बिना ऑयल के भी। दोनों तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, दोनों तरह से आपके बालों को सुंदर और घना लंबा बनाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।